हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम प्रोग्राम में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने फिल्मी सफर से शुरुआत की और शुरुआत करते करते वो कब सियासत की दुनिया में पहुंच गए पता ही नहीं चला। फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेने वाले वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि हैं राज बब्बर। जी हाँ, राज बब्बर एक ऐसे अभिनेता जिनका एक एक डायलॉग लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिनकी एक्टिंग, जिनका डांस देखकर दर्शक उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। जी हाँ, आज उन्हीं राज बब्बर के बारे में अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे फिल्मों में अभिनय करते करते उनका जो रुख था वो सियासत की तरफ चला गया। आखिर क्यों उनका जो मूड था वो सियासत की तरफ गया, किन वजहों से उन्होंने सियासत का दामन थामा और राजनीति में आए, मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं उनके बारे में ये बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं उनसे जुड़ी जो खबर है। देखिए, अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में 23 जून 1952 को एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके दो भाई और चार बहनें, जी हाँ, इनके दो भाई और चार बहनें हैं, जिसमें से यह सबसे बड़े। राज बब्बर के छोटे भाई विनोद का देहांत कुछ वर्षों पहले हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में दो शादी की, पहली 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा बब्बर की, जबकि दूसरी शादी 1986 में फेमस फिल्म एक्टर स्मिता पाटिल से की। इनके आर्य बब्बर, जूही बब्बर और प्रतीक बब्बर तीन बच्चे हैं, जिसमें से आर्य और जूही नादिरा के बच्चे हैं, जबकि प्रतीक स्मिता पाटिल के बेटे हैं। जूही बब्बर ने कुछ फिल्मों में काम किया है। देखिए, दो शादी की इन्होंने और दोनों शादी से इन्हें बच्चे हैं। और जैसा कि मैं बात करता हूँ कि दो फेमस जो है, जी हाँ, हस्तियों से कर चुके हैं ये विवाह। जैसा कि राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर मशहूर नेता सैयद साजिद जहीर और उर्दू लेखिका रजिया साजिद जहीर की बेटी हैं। दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल थी, वह एक मराठी परिवार से थी। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1970 से 1980 के दौर की मशहूर एक्ट्रेस थी। इनका देहांत 1986 हुआ, इसी वर्ष राज बब्बर से शादी की थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के दौरान ही दम तोड़ दिया था। स्मिता पाटिल के देहांत के बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ रहने लगे थे। देखिए, अगर ये तो हमने आप उनकी थोड़ी सी जानकारी बताई, और देखिए अगर मैं उनकी शिक्षा की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। देखिए, राज बब्बर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आगरा के फैज़े आम स्कूल से की और ग्रेजुएशन आगरा कॉलेज से किया। एक्टिंग में रुचि होने की वजह से इन्होंने 1975 में दिल्ली आकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। इन्होंने स्कूल और कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेकर बॉलीवुड की ओर रुख किया। आगरा कॉलेज में पढ़ाई करते समय राज बब्बर ने सोच लिया था कि उनको अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाना है। इसके अलावा उनको समाज सेवा करके भी अद्भुत खुशी का एहसास होता था, इसलिए वह बॉलीवुड में अभिनय के दौरान ही राजनीति से जुड़े रहे। राज बब्बर ने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिसमें पंजाबी और बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। यानी कि 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें कह सकते हैं कि उन्हें अच्छी सफलताएं मिली और उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बॉलीवुड में वो शामिल हुए और
एक ऐसी मुलाकात जिसने उन्हें पहुंचा दिया एनएसडी। जी हाँ, अभिनय के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने से पहले राजबब्बर पटियाला यूनिवर्सिटी पहुंचे। वह विश्वविद्यालय के ड्रामा विभाग का हिस्सा बन गए और पूरी लगन के साथ उन्होंने वहां पर अभिनय सीखा। विश्वविद्यालय के अंदर ही इनकी मुलाकात मशहूर थिएटर लेखक हरपाल दीवाना से हुई। उन्होंने ही राजबब्बर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि वह खुद इस संस्थान से जुड़े हुए थे। इसके बाद राजबब्बर ने 1972 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और इससे जुड़े। वहां पर हरपाल तिवाला पंजाब कला मंच नाम का एक थिएटर चलाया करते थे, जिससे मशहूर एक्टर ओमपुरी भी जुड़े हुए थे। यहीं पर राजबब्बर और ओमपुरी की पहली मुलाकात हुई। एनएसडी से जुड़ने के बाद राजबब्बर ने इब्राहिम अलकाजी को गुरु मानकर अभिनय की बारीकियां सीखी। अभिनय की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे वो बॉलीवुड की तरफ चले गए और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करता हूं उनके सियासत की, वैसे तो सियासत में अमिताभ बच्चन से लेकर रवि किशन तक बॉलीवुड की चमक दमक के साथ आए, लेकिन सुनील दत्त के बाद राजबब्बर ही ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने रुपेले पर्दे पर सशक्त अभिनय के साथ राजनीतिक जमीन पर भी पहचान बनाई। बब्बर का राजनीतिक सफरनामा कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ, लेकिन सपा से दूरियां होने पर कांग्रेस के करीब आ गए। वह आए तो कांग्रेस में स्टार प्रचारक की हैसियत से थे, लेकिन उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यूपी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी। आए तो थे स्टार प्रचारक की हैसियत से, लेकिन उनकी खूबियों को देखते हुए, उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए यूपी में उन्हें अध्यक्ष जो है पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1989 में राजनीति से जुड़े राजबब्बर ने 1989 में जनता दल से जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके कुछ वर्षों बाद वे समाजवादी पार्टी से जुड़े और 3 बार सांसद भी चुने गए। 1994 से 1999 तक वह राज्यसभा सांसद थे। वे 14वें लोकसभा चुनाव में दूसरी बार, 2004 में लोकसभा सांसद बने। 2006 में राजबब्बर को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। 2 साल बाद 2008 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 2009 में चौथी बार चुनाव लड़ा। 2014 में राजबब्बर ने गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वो बीजेपी नेता वीके सिंह से चुनाव हार गए और अभी तक जैसा कि देखने को मिला है कि वो कांग्रेस के साथ है। यानी कि 2006 में राजबब्बर को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। इस तरह से सियासत की तरफ उनका रुख मुड़ा। सियासत में भी दिलचस्पी थी। देखिए, अभिनय तो किया ही करते थे फिल्मों में, लेकिन उन्हें समाज सेवा करने का भी बहुत शौक था और अभिनय करते करते वो समाज सेवा भी करने लगे। यानी कि दोनों कामों को करना आसान बात नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से राजबब्बर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि राजबब्बर ने 2 शादियाँ की हैं। जी हाँ, अभी तक जैसा कि देखने को मिला है कई बॉलीवुड कलाकारों ने 2 शादी की है। जी हाँ, जिनमें विनोद खन्ना भी शामिल है। और देखिए, जैसा कि देखने को मिला कि अब राजनीति से जुड़कर राजबब्बर अपनी जो है दमदार आवाज़ से और अपने कह सकते हैं कि जिस तरह से वो विरोधियों पर तंज कसते हैं, वो नज़र आता है कि वाकई में जिस तरह से फिल्मों में वो अभिनय किया करते थे, उनका वही दमदार अंदाज अब राजनीति में भी देखने को मिलता है। बॉलीवुड में तमाम फिल्में की और तमाम फिल्मों से उनको नई पहचान भी मिली। दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा, दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार भी किया और दर्शकों ने उनकी फिल्मों को पसंद भी किया। यानी कि राजबब्बर एक ऐसे कलाकार हैं जिनके अभिनय को देखकर दर्शक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और सियासत की अगर मैं बात करता हूँ तो सियासत में भी उनका कुछ ऐसा ही रोल नज़र आता है। जी हाँ, जिस तरह से सियासत में वो दहाड़ते हैं और जिस तरह से विरोधी पार्टी पर तंज कसते हैं, ये नज़र आता है कि राजबब्बर के अंदर अभी भी कुछ नहीं बदला है।
फिल्मों में जिस तरह से वो एक्टिंग किया करते थे, फिल्मों में जिस तरह से वो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, वैसा ही उन्होंने राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, तो ये तो था उनका फिल्मों से लेकर सियासत तक का सफर। कैसे फिल्मी दुनिया में काम करते करते कब राजनीति की तरफ उनका रुख चला गया, ये आज हमने आपको बताया। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।